महाशिवरात्रि का महाअनुष्ठान जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे देश में पूरे धूमधाम आस्था और उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। आज शिव और सती के महामिलन का महाउत्सव है। इस समय हम लोग ITI मोड़ के श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा मंदिर प्रांगण में मौजूद है, जहां पर महाशिवरात्रि के महा अवसर पर आज यानी श्री श्री रामचरितमानस रामायण अखंड पाठ प्रारंभ हुआ है। और इस समय मंदिर में जो अभिमन्यु सिंह चौधरी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से यहां पर प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर यह महाअनुष्ठान का आयोजन होता है, पूजा पाठ हो चुका है और अब जो रामचरितमानस पाठ रामायण पाठ जो अखंड पाठ है वो प्रारंभ हो चुका है। पंडित जी लोग अपने मंत्रोच्चार के साथ देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं। आइए मिलते हैं और देखते हैं कि इस अवसर पर यानी श्री श्री महाशिवरात्रि पर अगर आप रामचरितमानस पाठ का अनुश्रवण करते हैं या रामायण सुनते हैं तो क्या विशेष कृपा होती है। हमारे साथ मुख्य पंडित जी है। बाबा क्या नाम है आपका? ये सर कहा जाता है आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि पर अगर रामचरितमानस पाठ सुना जाए श्रवण किया जाए तो क्या विशेष फल मिलता है? आज महाशिवरात्रि भी है सर, क्या कहेंगे इस महोत्सव का क्या विशेष लाभ मिलता है अगर कोई आज उपवास पाठ करता है तो? जानी में महाजानी बाबा भोलेनाथ है जी, कई तरह का नाम मिलता है। इनके उपवास करने से संपूर्ण मनोकामना का पूर्ण होता है और बाबा का आशीर्वाद संपूर्ण पूरे परिवार को होते रहता है। तो ये देखिये पंडित जी है, रामायण पाठ प्रारंभ हो चुका है और बहुत सारे देखिए पंडित से पूजा पाठ हो चुका है। बाबा से जानते हैं कि जो अभी महाशिवरात्रि अनुष्ठान के अवसर पर आज पूजा पाठ किया, क्या आह्वान किया, जन कल्याण की क्या कामना हुई इस अभिमन्यु सिंह चौधरी वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से संचालित माँ दुर्गा के मंदिर में बाबा क्या कामना हुई है? और ऐसे तो शिव जी का राम जी प्यारा है क्योंकि तुलसीदास रामायण में अपने कहा गया है कि शिवद्रोही मम दास का हवा सो नर सपने वो वही न। भक्त इस समय दोनों का अनुश्रवण करेंगे उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? उनके लिए मुक्ति प्राप्ति होगी ऐसे आध्यात्म जीवन में यही तो बताता है। और हम लोग तो हिंदू आस्था के मानते हैं, मानते हैं आस्था पर विश्वास करते हैं। इतने वर्षों से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं माता की? माता की 40 से आगे हुआ, जब से शुरू हुआ है तब से 84 से हुआ। तो ये 40 वर्षों से ज्यादा समय से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है और आज क्या मांगा आप लोगों ने जन कल्याण के लिए? जन कल्याण के लिए मांगा कि स्वस्थ रहे, सब सुख समृद्धि बढ़े, सुख शांति से सब रहे, ऐसे पुत्र उत्पन्न हो जैसे महावीर जी ने ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की कामना हो रही है। ITI मोड़ के श्री श्री जो दुर्गा माता मंदिर है यहाँ पर महाशिवरात्रि के इस महाअनुष्ठान के अवसर पर और भक्त लोग भी बड़ी संख्या में है। आयोजक कहा जाता है कि अभिमन्यु सिंह चौधरी वेलफेयर ट्रस्ट को एक नई दिशा देने में उनके पुत्र महावीर जी का बहुत ही अहम योगदान है। आज बाबा इस शरण में आए हैं, भोले बाबा के भक्त भी आपको कहा जाता है। स्वयं गरल ग्रहण करके ब्रह्मांड को संताप से जिन्होंने मुक्त कराया, उनकी भक्ति का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। भोले बाबा के आशीर्वाद हमेशा हम पर बने। लोगों की सेवा तो आपके ट्रस्ट करती ही है, इस तरह के आध्यात्म कार्यक्रम का भी आयोजन करती है। आज अखंड रामायण पाठ प्रारंभ हुआ है, कहा जाता है कि कल भी विशेष अनुष्ठान है, कल क्या अनुष्ठान करने जा रहे हैं? पश्चात हरित नारायण और उसके बाद सार्वजनिक भंडारा सब प्रसाद कार्यक्रम और ट्रस्ट की ओर से उसमें हजारों श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम सभी को सेवा का मौका देते हैं। उम्मीद है कि कल भी हमें हजारों श्रद्धालुओं की सेवा का मौका।
तो बाबा भोलेनाथ के साथ साथ भगवान राम के जो रामचरितमानस रामायण पाठ का अनुश्रवण करना है तो इस मंदिर प्रांगण में आइए। बेहद ही मनोरम दृश्य इस समय है। आप यहाँ आएंगे तो उस अलौकिक दुनिया में खो जाएंगे जिसको पाने की चाहत हर इंसान की होती है। और इस समय हम लोग आईटीआई मोड़ के श्री दुर्गा माता मंदिर प्रांगण में है जहाँ पर रामायण अखंड पाठ प्रारंभ हो चुका है और कल भी विशेष प्रोग्राम है। तो आप सभी भक्तगणों से आवेदन है, आग्रह है कि यहाँ पर आए, महाप्रसाद ग्रहण करें और आज रामचरितमानस पाठ का अनुश्रवण करें। कैमरा पर्सन आशीष राय के साथ मैं राम नारायण शर्मा। जय मंगल गुण राम राम के नाम नाथ सिद्धि और